जौनपुर में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जयंती पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर एक साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। स्वामी विवेकानंद जयंती पर शौर्य परिवार द्वारा भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भंडारी स्टेशन से निकाली गई, जो सुथट्टी, कोतवाली, चहारसू, शाही पुल के रास्ते ओलंदगंज जेसीस चौराहे से होते हुए बीआरपी के मैदान तक पहुंची, जहां स्वामी विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को समयानुसार दिन में 2:15 पर शुरू किया गया, जो बीआरपी मैदान से गाया गया। कार्यक्रम से पहले मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, व्यापारी बंधुओं सहित समस्त जनपद के लोग मौजूद रहे। वंदे मातरम कार्यक्रम के संस्थापक संदीप पांडे ने कहा कि हमारे आराध्य ऐसे हैं जिनको युग पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने पूरे पश्चिम सभ्यता में संस्कृति फैलाकर हमारे भारतीय सनातनी का झंडा लहराया। युवा ऐसे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का प्रयास करता है। निश्चित रूप से इसी को जागृत करने के लिए यह युवा चेतना का आयोजन किया गया है, जो कहीं न कहीं उनके मन में विश्वास पैदा करने के लिए और एकजुटता पैदा करने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम महासमूह गान का आयोजन किया गया है, जो एक दिन में एक लाइन एक स्वर में सारे लोग इकट्ठा होके वंदे मातरम का समूह गान किया, जो इतिहास में पहली बार इस तरीके का आयोजन जनपद जौनपुर में किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी टीम और जौनपुर की जनता ने भरपूर साथ और सहयोग दिया। जैसे कि सर हम सब जानते हैं, आज स्वामी विवेकानंद का जयंती है, हम इसको युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उनका मेन पर्पज था कि युवा को जागरूक करना। उन्होंने कहा था कि उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। उनका मतलब एक लक्ष्य यही था सबसे पहले कि हम युवा को जागरूक करना। और उनका जन्म जो होता है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने मतलब उनका जो उनके पिता थे वो खुद ही समाजवादी खुद थे, और उनका जो मतलब उनका शिक्षा जो है रामकृष्ण परमहंस द्वारा दी गया था। उनका मतलब वो 25 बहुत ही कम समय में ही अपनी शिक्षा को प्राप्त की, जिसे वो उनका मतलब ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सब कुछ में मतलब उनका 25 वर्ष की उम्र में ही ग्रहण कर लिए थे। उनका मतलब जो वो 25 वर्ष में जब उनका जो गुरु थे वह मतलब जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके द्वारा वो शिक्षा दिया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत सारे मत दिए, जैसे कि जो स्त्रियां होती हैं बाल विवाह को उन्होंने रोके। फिर उसके बाद उनका रिस्पेक्ट देना उन्होंने कहा। उसके बाद इस समाज में मतलब एक भाई हमारे भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने का प्रयास किया। हमारे देश में जो भी मतलब भ्रष्टाचार हो रहे थे, भाईचारा बन मतलब एक साथ जो हिंदू मुस्लिम में विवाद चल रहे थे उनके मतलब उनके मत में वो बहुत एकता लाने का प्रयास किए। और उनको मतलब उनका मेन पर्पस कि हमारा भारत देश मतलब एक भाईचारा और मतलब सामाजिक देश बने। क्या नाम है आपका? आरती सरोसर। किस स्कूल से हैं? जीएनटी जगत नारायण तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज। सर, आज विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है, ऐसे में विवेकानंद युवा पुरुष माने जाते हैं, युवाओं के स्रोत माने जाते हैं, तो क्या किस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है? भारत विकास परिषद की नवगठित शाखा भारत विकास परिषद शौर्य हम लोगों के आराध्य हैं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद, जिनके प्रेरणा पर चलने का, जिनके मार्गदर्शन पर चलने का हम प्रयास करते हैं। सदर 12 जनवरी हमारे लिए एक नैतिक उत्तरदायित्व के रूप में था कि हम इसकी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को ऐतिहासिक स्वरूप में मनाएं, जिसके 3 चरण हैं। एक बृहद शोभा यात्रा जो अभी तुरंत निकलने जा रही है आपके सामने, इसके बाद 2:15 पर वंदे मातरम महासमूह गान का कार्यक्रम होगा, जिसमें परिसर के अतिरिक्त जनपद के भी लोग प्रतिभाग करेंगे, और उसके बाद हमारा स्वामी विवेकानंद जयंती उत्सव मनाया जाएगा। सर, ये एक सवाल मेरा ये है, आप किस तरह से युवाओं को जागृत करने का प्रयास करें? जितना भी युवाओं के अंदर ऊर्जा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लगातार लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे आराध्य ही ऐसे हैं जिनको युग पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने
पूरे पश्चिमी सभ्यता में संस्कृति में जा करके हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का झंडा लहराया। ऐसे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का प्रयास करता है युवा, और निश्चित रूप से उसको जागृत करने के लिए ये युवा चेतना शोभा यात्रा आयोजित की गई है, कहीं ना कहीं उनके मन में विश्वास पैदा करने के लिए, एकजुटता पैदा करने के लिए। और साथ ही साथ हमने वंदे मातरम महासमूहगान का आयोजन किया है, एक बार एक दिन एक स्वर में एक लय में सारे लोग एकजुट होकर के, एक बड़ी बृहद संख्या में लोग एकजुट होकर के महासमूहगान करेंगे वंदे मातरम। इतिहास में पहली बार ऐसा कार्यक्रम? जी मेरा प्रयास था, इस तरह का विचार था मेरे मन में, और मेरे संगठन के सभी लोगों ने उसमें भरसक सहयोग दिया। इतनी कड़ी जनता आप देख रहे हैं, इसका भी पूरा सहयोग है इस कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं इस विचार को ही क्रियान्वित किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संदीप पांडे, संस्थापक अध्यक्ष भारत विकास परिषद शहर।